तो कल महाशिवरात्रि के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई अजय देवगन और आर माधवन की सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी शैतान। तो एक्चुअली मैंने इस मूवी को कल ही देख लिया था, पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इस मूवी का रिव्यू नहीं पोस्ट कर पाया। ऑल्दो मुझे पता है कि आप सबको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, लेकिन फिर भी जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने रात में शूट किया। और प्रोबेबली जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं अपने कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम दे रहा हूँ। तो मेरी इस बेवकूफी को डेडिकेशन समझ के सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो भाई थोड़ी चीजें तो डिजर्व करता है। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? खैर मूवी की बात करें तो देखो मूवी 2 घंटे 12 मिनट की है एंड इट डजंट फील कि मूवी काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड है। मूवी 2 घंटे 12 मिनट में काफी अच्छी पेसिंग के साथ चलती है। मूवी का प्लॉट तुम्हें एंगेज रखता है। ऑल्दो मूवी के प्लॉट में ज्यादा चीजें हैं नहीं, ज्यादा सब्सटेंस नहीं है, चीजें एक तरह से कह सकते हो सस्पेंस में चल रही होती है कि आगे होगा क्या एक्चुअली में। अब मेरी इस मूवी से सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि जो ट्रेलर इन्होंने एडिट किया था उसके अंदर लास्ट वाला जो पोर्शन है मूवी का वो नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो चीज नहीं होती तो अपने को स्टोरी के अंदर थोड़ा और सस्पेंस देखने को मिलता कि एक्चुअली में चीजें किस ओर जाएंगी। बट हमने ट्रेलर में देख रखे थे 2-3 सीन्स तो हमें पता था कि चीजें कैसे एंड होगी। बट अगर वो चीजें नहीं होती तो मूवी और बेहतर होती हम सबके लिए। बट मैं ये भी समझता हूँ कि देखो हम जैसे लोग जो मूवीज देखते रहते हैं, जो मूवीज को एंजॉय करना पसंद करते हैं, वो ऐसी चीजें डिमांड करते हैं। बट अगर मूवी को अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो उन्हें अपने ट्रेलर में बेस्ट चीजें दिखानी ही पड़ेंगी ताकि ऑडियंस आ सके। अब हम कह सकते हो कि 5-10% लोगों के लिए वो अपने 90% ऑडियंस को गवा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेलर के अंदर सब्सटेंस देखना चाहते हैं और उसी सब्सटेंस के बेसिस पे थिएटर में देखने जाते हैं मूवी को। तो मूवी मेकर्स को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता इस चीज के लिए। बाकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो देखो ये अजय देवगन का परफॉर्मेंस है, फिर वो जो लड़की जिसने वो लड़की का रोल किया वो, और फिर यहाँ पे आर माधवन। देखो आर माधवन की एक्टिंग पे डाउट कर ही नहीं सकते तुम, बंदे ने काफी अच्छा काम किया है। मतलब कई कई पॉइंट पे तो ऐसा भी फील हो रहा था कि अगर कोई भी दूसरा एक्टर होता ये वाले डायलॉग्स अगर वो मार रहा होता जो आर माधवन के डायलॉग्स हैं इस मूवी के अंदर, भाई क्रिंज लगता लिटरली। जिस तरह से उस बंदे ने डायलॉग को पुल आउट किया है कोई बंदा कर ही नहीं सकता, किसी और एक्टर के मुंह से बहुत ज्यादा क्रिंज लगता वो। एक और बड़ी हाईलाइट जो मुझे इस मूवी से लगी वो है शैतान का थीम सॉन्ग। मूवी के स्टार्टिंग में जब टाइटल कार्ड ही चल रहा होता है वहां पे जो मतलब गूज़बम्प्स आ जाते हैं, विजुअल्स काफी शानदार है और म्यूजिक एक नंबर, बहुत अच्छा म्यूजिक है। मूवी की स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ट्रेलर ने ऑलरेडी सब कुछ रिवील कर दिया है कि स्टोरी के अंदर होगा क्या। यू माइट बी वंडरिंग कि क्या इस मूवी के अंदर हॉरर सब्सटेंस है और क्या तुम्हें ये मूवी देखने जानी चाहिए, कहीं तुम्हारी ज्यादा फट तो नहीं जाएगी। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी के अंदर हॉरर के नाम पे, बस कुछ साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए हैं वो गूज़बम्प्स और एकदम सडन सा थ्रिल देने के लिए, जो कि कई कई यहाँ पे काम भी करते हैं। बट हॉरर जैसा कुछ भी नहीं है इस मूवी के अंदर, तो तुम बिंदास होकर मूवी देख सकते हो। अब ओवरऑल मूवी की बात करो तो मुझे मूवी ठीक ठाक लगी, मैं उतना कुछ मास्टरपीस या बढ़िया मूवी नहीं कहूंगा। बट अगर 10 की स्केल में मुझे रैंक करना हो इस मूवी को तो 6.5, 6 और 7 के बीच में ही रैंक करूंगा। इससे ज्यादा तो सब्सटेंस था भी नहीं मूवी के अंदर। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम इस मूवी को थिएटर में देखना चाहते हो, ओटीटी में देखना चाहते हो या कहीं भी नहीं देखना चाहते, वो तुम पे है। मेरे ओपिनियन में ये शैतान एक ओके सी पिक्चर है, तो अगर तुम देखने जाना चाहते हो तो तुम पे है, देख लो, वरना ओटीटी का भी वेट कर सकते हो। अब आई नो कि तुम्हें ये वीडियो बहुत जंबल्ड सा और आगे पीछे फील हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जस्ट बिकॉज मैं बीमार था तो मेरे पास टाइम नहीं था, या तो मैं वीडियो शूट कर लेता या तो मैं स्क्रिप्ट लिख लेता क्योंकि कल मेरे एग्जाम्स है तो उसके लिए पढ़ाई भी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विलोगी।